इंडिया तो आप जानते ही हैं, कितनी सुंदर है, कितनी पुरानी है और कितनी स्पिरिचुअल है। यह देश अपनी विरासत और संस्कृति के लिए मशहूर है, जहां हर कोने में एक कहानी छुपी है। भारत के हर राज्य में कुछ ना कुछ अलग है जो इस देश को और भी खास बनाता है। और ISS इनक्रेडिबल सबकॉन्टिनेंट में एक स्टेट है जिसे कहते हैं गॉड्स ओन कंट्री, केरला। यह राज्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। जैसे ही आप इस ट्रॉपिकल पैराडाइज में कदम रखते हैं, एक सुकून और एक अजब सी खुशी महसूस होती है। यहां की हवा में एक अलग ही मिठास है जो आपको अपने आप में खो जाने पर मजबूर कर देती है। हवा में मसालों की खुशबू और समुन्दर की लहरों की आवाज होती है। ये दोनों मिलकर एक ऐसा अनुभव देते हैं जो आपको कहीं और नहीं मिलता। केरला के मसाले दुनिया भर में मशहूर हैं और यहाँ के बाजारों में इनकी खुशबू आपको हर जगह महसूस होगी। केरला में आपको सब कुछ मिलेगा, हरे भरे खेत, सुंदर बीचेस और एक ऐसा कंट्रीसाइड जो आपको अपने आप में खुद जीने पर मजबूर कर देगा। यहाँ के खेतों में आपको एक अलग ही शांति और सुकून मिलेगा और पुरानी परंपराएं मॉडर्न लाइफ की साथ। यहाँ का जीवन एक अनोखा संगम है पुरानी और नई संस्कृति का, जो इस राज्य को और भी खास बनाता है। आपको यहाँ के लोगों में एक अलग ही अपनपन और संस्कृति का एहसास होगा। केरला की सुंदरता सिर्फ देखने में ही नहीं है, ये सुंदरता आपको हर जगह महसूस होगी, चाहे वो प्राकृतिक दृश्य हो या फिर यहाँ के लोगों का प्यार। ये सुंदरता इस स्टेट के हर कोने में है, चाहे वो नेचुरल वंडर्स हों या फिर रिच कल्चरल हेरिटेज। यहाँ के त्योहार और UTSF भी इस राज्य की खूबसूरती को और भी बढ़ा देते हैं। केरला के लोग बहुत ही प्यारे और मेहमान नवाज होते हैं। वो आपको अपने घर का हिस्सा बना लेते हैं और आपको एक ऐसा अनुभव देते हैं जो आप कभी नहीं भूलेंगे। वो आपको खुले दिल से अपनाते हैं और अपने घर की जादूगरी दिखाते हैं। यहाँ का स्वादिष्ट खाना और मेहमान नवाजी आपको एक अलग ही अनुभव देंगे। चाहे आपको एडवेंचर चाहिए, रिलैक्सेशन चाहिए या फिर सेल्फ डिस्कवरी चाहिए, केरला में सबके लिए कुछ ना कुछ है। यहाँ के एडवेंचर स्पोर्ट्स और वेलनेस रिट्रीट्स आपको एक नया अनुभव देंगे। ISS सफर में हम केरला की कुछ सबसे खूबसूरत जगहों पर जाएंगे और देखेंगे कि यह स्टेट कितना एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। हर जगह आपको एक नया अनुभव और एक नई कहानी मिलेगी। हम मुनर के चय के बगनों में घूमेंगे, जहां आपको हरे भरे पहाड़ों का सुकून मिलेगा और चय की खुशबू आपको अपने आप में कुचेन पर मजबूर कर देगी। अलेप्पे के बैकवाटर्स में बोट राइड करेंगे, जहां आपको एक अलग ही शांति और सुकून मिलेगा। यहां की हाउस बोट्स आपको एक अनोखा अनुभव देंगे और कोची की पुरानी गलियों में खो जाएंगे। यहां का इतिहास और विरासत आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएंगे। थेक्कडी के वाइल्ड लाइफ को देखेंगे, जहां आपको प्रकृति के करीब आने का मौका मिलेगा। यहां के वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आपको एक अलग ही अनुभव देंगे। कोवलम के बीचेस पे रिलैक्स करेंगे, जहां आपको समुंदर की लहरों का सुकून मिलेगा और सूर्यास्त का सुंदर दृश्य देखने को मिलेगा और केरला के स्वादिष्ट खाने का मजा लेंगे। यहां का खाना आपको एक अलग ही अनुभव देगा जो आप कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक अनफॉरगेटेबल एडवेंचर गॉड्स ओन कंट्री में। यह सफर आपको एक नया अनुभव और एक नई कहानी देगा जो आप हमेशा याद रखेंगे। जैसे जैसे हम वेस्टर्न घाट्स पे चढ़ते हैं, हवा ठंडी होती जाती है। ये ठंडी हवा आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है, जहां आपको सिर्फ सुकून और शांति मिलती है। वेस्टर्न घाट्स की ये रेंज इतनी खूबसूरत है कि आप बस देखते ही रह जाते हैं और चे की पार्टियों की खुशबू आती है। ये खुशबू इतनी मधुर होती है कि आपके मन को एक अलग ही तरह से सुकून मिलता है। चाय की पार्टियों की ये खुशबू आपको हर तरफ महसूस होगी, जैसे ये पूरी जगह इस खुशबू से भरी हुई हो। ये है मुनार, केरला की टी कैपिटल। ये हिल स्टेशन समुंदर से 5000 फीट अपर है। मुनार का ये नजारा आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाता है, जहां आपको सिर्फ और सिर्फ सुकून और शांति मिलती है। ये जगह इतनी ऊंची है कि आपको लगता है जैसे आप बादलों के बीच में हैं। यहाँ पे हर तरफ चाय के बगान ही बगान हैं। और ये हिल्स इतने सुंदर लगते हैं जैसे कोई पेंटिंग हो। ये चाय के बगान इतने बड़े हैं कि आपको लगता है जैसे ये कभी खत्म ही नहीं होंगे। हर तरफ आपको सिर्फ हरियाली ही हरियाली दिखेगी। मुन्नार जाना मतलब चाय की दुनिया में जाना। ये एक ऐसी जगह है जहां आपको चाय के बारे में सब कुछ जानने को मिलेगा।
एएपी यहाँ पे चाय के बारे में इतना कुछ सीख सकते हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। एएपी यह पूरा प्रोसेस देख सकते हैं चाय की पट्टी तोड़ने से लेकर उसे पक करने तक। यह देखना एक अलग ही अनुभव होता है जहाँ आपको समझ आता है कि एक कप चाय बनने में कितनी मेहनत लगती है। हर एक कदम पे आपको यह महसूस होगा कि यह एक कला है। ताजा चाय की खुशबू आपको हर जगह आएगी। यह खुशबू इतनी तीखी और मधुर होती है कि आपको लगता है जैसे आप एक बड़े से चाय के कप में हैं। हर जगह यह खुशबू आपको महसूस होगी, चाहे आप चाय के बगान में हो या फिर किसी चाय की दुकान में। चाय के बगानों के अलावा मन्नर में और भी बहुत कुछ है देखने के लिए। यह जगह सिर्फ चाय के लिए नहीं है बल्कि अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए भी मशहूर है। यहाँ पे आपको हर तरफ लुश ग्रीनरी और सीनिक व्यूज मिलेंगे। एराविकुलम नेशनल पार्क जहाँ धार्मिक वो आपको जरूर विजिट करना चाहिए। यह पार्क अपनी वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत फेमस है और यहाँ पे आपको नीलगिरी धाम के अलावा और भी बहुत सारे जानवर देखने को मिलेंगे। ये एक ऐसी जगह है हर कदम पे आपको महसूस होगा कि आपने चक्के कितने करीब हैं। और अगर आपको सच में कुछ कमाल देखना है तो अटुकल वाटरफॉल्स जरूर जाएं। वाटरफॉल्स इतने खूबसूरत हैं कि आपको लगता है जैसे आप किसी फेरी टेल में हैं। आपको नेचर की असली ब्यूटी देखने को मिलती है। यहाँ पे पानी इतनी तेज गिरता है कि जोर से आवाज आती है। ये आवाज इतनी जोर होती है कि आपको लगता है जैसे ये पानी आपके दिल से बात कर रहा हो। ये देखना एक अलग ही अनुभव होता है की असली ताकत का एहसास होता है। मन्नर में जगह है जहाँ आपको सिटी की भीड़ भाड़ से सुकून मिलेगा। नेचर के करीब जाएंगे और माउंटेन्स की शांति में खो जाएंगे। यह जगह इतनी पीसफुल है कि आपको लगता है जैसे आप अपने आप को दोबारा पिए रहे हैं। हर तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ शांति और सुकून मिलेगा। जब आप जाएंगे तो आपको सोचो आप शांत पानी में बोट राइड कर रहे हो और बोट के हिलने से आपको एक अलग ही सुकून मिल रहा है। यह है अलेपे का जादू, जिसे वेनिस ऑफ द ईस्ट भी कहते हैं, जहां जिंदगी बैकवाटर्स के इर्द गिर्द घूमती है। यह कैनल्स और लगून्स जो रिवर्स और लेक्स से जुड़े हुए हैं एक अलग ही इकोसिस्टम बनाते हैं। अलेपे एक्सप्लोर करने का सबसे बेस्ट तरीका है हाउस बोट में, जिसको केटुवलम कहते हैं। यह सुंदर बोट्स जिनको पहले राइस और स्पाइसेस ले जाने के लिए यूज करते थे, अब ये फ्लोटिंग होम्स बन गए हैं जिसमें बेडरूम्स हैं, ओपन एयर लिविंग स्पेसेस हैं और अपना खाना बनाने वाला भी। जैसे जैसे आप बैकवाटर्स में बोट राइड करोगे आपको एक अलग ही जिंदगी देखने को मिलेगी। गांव वाले अपना काम कर रहे होंगे, बच्चे खेल रहे होंगे और फिशरमैन मछली पकड़ने की कोशिश कर रहे होंगे। हवा में आपको बर्ड्स की आवाज आएगी, पाटन की सरसराहट आएगी और पानी की हल्की सी आवाज आएगी। बैकवाटर्स आपको एक ऐसा सुकून देते हैं जो आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में मिलना बहुत मुश्किल है। ये वो जगह है जहां आपको रिलैक्स करना चाहिए, नेचर के करीब जाना चाहिए और हर पल को जीना चाहिए। कोची, जिसको क्वीन ऑफ द अरेबियन सी भी कहते हैं, एक ऐसी जगह है जहां हर कोना एक कहानी सुनाता है। ये सिटी एक अद्भुत मिश्रण है जहां हिस्ट्री और मॉडर्निटी दोनों साथ साथ रहते हैं, एक दूसरे को समर्थन देते हुए। ये पोर्ट सिटी सदियों से कल्चर्स का मिलान रहा है, जहां हर एक नई तहजीब ने अपना रंग छोड़ा है। यहां पे ट्रेडर्स और एक्सप्लोरर्स आते जाते रहते हैं, अपने साथ नए विचार और नए संस्कृति लेकर आते हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत है यहां की आर्किटेक्चर, कल्चर और यहां के लोगों की हॉस्पिटैलिटी, जो हर मेहमान को अपनापन महसूस कराती है। फोर्ट कोची में घूमना मतलब टाइम ट्रेवल करना, जहां हर एक इमारत अपनी कहानी सुनाती है। यहाँ की गलियां छोटी छोटी हैं और यहाँ पे कॉलोनियल एरा बिल्डिंग्स हैं, जो आपको पुराने जमाने में ले जाती है। हवा में आपको मसालों की खुशबू आएगी, क्योंकि कोची पहले बड़ा स्पाइस ट्रेडिंग सेंटर था जहां से दुनिया भर के लोग मसाले लेने आते थे। चाइनीज फिशिंग नेट्स तो आपको देखने ही चाहिए। ये चाइना के साथ ट्रेड का एक निशान है जो आज भी यहाँ के जीवन का एक हिस्सा है। ये बैडे बैडे नेट्स जो पानी के ऊपर है देखने लायक होते हैं,
खासकर सनसेट के टाइम जब सूरज की रोशनी इन्हें एक अलग ही रंग देती है। यहाँ पे बहुत सी पुरानी चर्चेस हैं, जैसे कि सेंट फ्रांसिस चर्च, जो इंडिया की सबसे पुरानी यूरोपियन चर्च है और अपनी ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है, और सेंटा क्रूज बेसिलिका, जो अपने गॉथिक आर्किटेक्चर के लिए फेमस है, जहाँ आपको एक अलग ही शांति और सुकून महसूस होगा। और जब आप कोची आओ तो कथकली डांस परफॉर्मेंस जरूर देखना, जो यहाँ की संस्कृति का एक अनिवार्य हिस्सा है। कोची ऐसी सिटी है जो आपको कभी नहीं भूलेगी। यहाँ के अनुभव आपके दिल और दिमाग में हमेशा के लिए बस जाएंगे। यह वो जगह है जहाँ आप हिस्ट्री में जाके देख सकते हैं, हर एक इमारत और सड़क अपनी कहानी सुनाती है। कल्चर में खो सकते हैं, जहाँ हर एक त्योहर और यूटीएसवी में यहाँ के लोगों का उत्साह और प्यार देखने को मिलता है, और केरला की कॉस्मोपॉलिटन स्पिरिट को महसूस कर सकते हैं, जहाँ हर एक व्यक्ति अपने अलग अलग पहचान के साथ एक साथ रहता है, एक दूसरे से सीखता है। यहाँ का खाना एक अलग ही अनुभव है, जहाँ आपको ट्रेडिशनल डिशेस के साथ साथ मॉडर्न क्यूजीन भी मिलती है, जो आपके टेस्ट बड्स को एक नया अनुभव देगी। और अगर आपको शांति और सुकून चाहिए तो कोची के बैकवाटर्स में एक हाउस बोट राइड जरूर करें, जहाँ आपको प्रकृति के बीच एक अलग ही आनंद मिलेगा। लोकल मार्केट्स में घूमना भी एक अनुभव है, जहाँ आपको यहाँ के हैंडीक्राफ्ट्स और सुवेनिर्स मिलेंगे, जो आपके यहाँ की यादों को और भी खजाने देंगे। कोची के फेस्टिवल्स भी देखने लायक होते हैं, जहाँ आपको यहाँ के लोगों का उत्साह और प्यार देखने को मिलेगा, जो आपको यहाँ के कल्चर से और भी जुड़े हुए महसूस करेगा। और रात को यहाँ की स्ट्रीट्स और भी जीवंत हो जाती हैं, जहाँ आपको लोकल म्यूजिक और नाइट लाइफ का आनंद मिलेगा, जो आपके यहाँ के अनुभव को और भी यादगार बनाएगा।